भी दोनों हुआ, यानी पता सार हम हरियाणा हिटरी के टीम के जाने से पहला को जर्सी नंबर दो में और निकलना चाहते थे वही उन्हें दबोचा गया, पर उन्हें क्वारंटाइन होना होगा, उन्हें तनाव में वापस बैठना होगा। ये सिरे जाकर सहजाना जो कि अब तक इस कबड्डी की बात करूं शुरू से लेके अब तक पूरे अपने खेल को धक्का और दांव ठोकना हुआ है, या पॉइंट पाने में सफल है या असफल, ये तो आने वाला वक्त ही बयां करेगा। तो बहरहाल शायद पॉइंट पाने में सफल है, एक अंक अर्जित करने में सफल है और इन्हीं एक अंकों के सहारे इसको और एक खाता है इधर है भाई आप बैठ जाइए इस सोरल महोदय के सामने थे जो ब्लैक जींस और टी शर्ट पहने हुए हैं, उन्हें मैं नाम डाल रहा हूं कि आप नीचे उतर जाइए। तो तैयार एक बार तो इस सोरल महोदय के सामने जो लोग बैठे हैं जो लोग आगे जो है उनसे नाम डाल रहा हूं भाई आप लोग नीचे उतर जाइए। एक एक आई हो दादा भाई भगवान दोनों टीम पर पॉइंट आ जाए एक दिलचस्प मुकाबला। तो इस कोरल महोदय दो और तो शायद स्कोर बोर्ड में कुछ गलतियां दो जीरो बाकी आए हैं देखो। तो तैयार एक बार जर्सी नंबर तीन में ये सीरे सहजादा एक होनहार रनर जर्सी नंबर तीन में जो कि हिट करता हुआ नजर आ रहा है एयरमैन का इस्तेमाल शायद नहीं के साथ उसका मारता या पॉइंट पाने में सफल है या असफल। तो बहरहाल खाली हाथ भी पटी है अपने खेमे के वापस जो कि यह मुकाबला रिजवान प्रभात क्लब करवेगी बनारस खेलने के लिए मुकाबला खेला जा रहा है जिसमें छोटी भी रहमानिया मदरसा रहमानिया हिंदी को अभी अपना खाता खोलना बाकी है तो शायद खाता खुलता हो एक बार जर्सी नंबर 65 में एक बार पूरा अपने कार्य को अंजाम देने के लिए कबज कब कभी हुका लगाता हुआ करवटे अजीबो गरीब को ठंड से करवटे बदलता हुआ दाएं से बाएं आकर की होती है पॉइंट तलाश में है प्रयास किया जरूर पर फिलहाल अपने प्रयास में पूरी तरह नाकाम रहे और शायद निपटी खाली हाथ वापस अपने खेल लिए। दोनों टीमें आपस में यही कह रही है जो कि मैंने आपको पहले बताया कि दोनों टीमों के तराजू के दोनों पल्ले यदि आकलन किया जाए तो दोनों टीमों का पल्ला बराबर ही दिखाई कभी पड़ रहा है। तो तैयार सात डिफेंडर जैसे नंबर 11 में जो कि इनका क्वार्टर फाइनल में काफी दिलचस्प हिट रहा, इन्होंने काफी अपने धक्का का प्रयोग किया और अपने जोर शोर से उल्लास उत्साह के साथ करो या फिर करो जर्सी नंबर 5 डिफेंडर्स देख रहा हूं कि काफी तेजी से दाएं से बाएं ताकत की ओर पॉइंट की तलाश में है शिकार की तलाश में है बहुत लगभग अरसों से पॉइंट की तलाश में है तो वहां हाल दो अर्जित करने में सफल नहीं है। तो ये जर्सी नंबर 3 ही कह रहा था तूफानों से हाथ मिलाओ सैलानों पर पार करो पल्ला होगा चक्कर छोड़ गए के दरिया पार करो। तो लाजवाब रेड जर्सी नंबर 3 द्वारा रहा और अंक तालिका जादू चलने वही रिजवान प्रधान कलम में रही चार और वही मदरसा रहमानिया ही भी लेकिन हिंदी को अपना खेल प्रस्तुत करता होगा। और एक करने के तो धीरे धीरे अपने नए को पाती ही जो नए खोया हुआ था रिजवान प्रधान कलब करवाने का वो तमाम खिलाड़ी अब अपने नए को बरकरार रखते हुए दो डिफेंडर एक डिफेंडर यानी 5 डिफेंडर क्वारंटाइन हो चुके हैं और दो डिफेंडरों के बीच में एयरमैन का इस्तेमाल किया बाएं साइड के डिफेंडर पर हमला बोला तो पर फिलहाल अभी भी संघर्ष पर खाली हाथ ही बच जा रहा है कम से कम तो लाजवाब जो कि मैं बता दूं फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है चाचा के लिए गाड़ी साथी थी जो कि ये चमचमाती हुई ट्रॉफी आपको दिख रही है 5 फुट नहीं है और जो छोटी ट्रॉफी है फोटो के नीचे अब ये देखना है कि ये ट्रॉफी किसके हाथ में जाने वाली है और इस काली सा जो कि कबड्डी का जो आगाज हुआ हुआ इस सर्जरी पर कौन सी टीम अपने बाप साहब को कायम रखती है। तो
इजाफा होगा तो कोई चतुराई पूरी नहीं थी, काफी तेजी से आए वाइट के लिए साथ बिखर कर पूरी तरह से जाल की भांति चकरे हुए थे। घेरना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, दबोचना चाहते हैं। फिलहाल जैसे हम अपने मन में वो भी बनता ही कह रहा है हमारे खौफ का पंजर बदलने वाला है, चिराग रहने जो सूरज करने वाला है। तो एक बार और एक पॉइंट का और इजाफा होता हुआ और जवान पर हाथ का प्रचार की अंक तालिका का जैसे जैसे अंक तालिका पढ़ता जा रहा है कर्मैनी का अपनी ही टीम दाएं बढ़ पर जा रही है। मदरसा रहमान का हिंदी टीम के ऊपर पर आगाह किया जाएगा एक दस का फासला यानी नौ मंजिला आदि भी दूर है। मदरसा रहमान का हिंदी अपने सामने वाले टीम विद्वान प्रधान क्लब कर्मैनी की अंक तालिका से कुछ कर दिखा रहा हूँ जो कि कसमकस का मुकाबला है। इस किताबी जज ने फाइनल तक का सफर तय करना है तो आने वाले वक्त में कुछ अद्भुत कारनामे कर दिखाने होंगे, जादुई कारनामे कर दिखाने होंगे। मदरसा रहमानिया हिंदी को यदि अपने मेहमान टीम को घूमने देखने में मजबूर करना है तो बहरहाल ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मैच प्रतिष्ठाओं का खेल है, संघर्ष जारी है दोनों टीमों के दरमियान क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। ये हार बड़ी खतरनाक होती है जैसा कि रिजवान प्रधान क्लब कर्मैनी ने पहले सेमीफाइनल में हार का स्वाद चखा और फिर दोबारा उस गलती को दोहराना नहीं चाहेगी। अब अपने लय को बरकरार रखती हुई सड़धड़ की बाजी लगाकर इस खेल को प्रदर्शित कर रही है रिजवान प्रधान क्लब कर्मैनी। ओ टिपल कर लिए गए बच्चे के काफी करीब यूं कह लिया जाए कि मुंह से तेवार छीना जा रहा है तो अपने लक्ष्य से कुछ ही दूर रह गए। उसे तेवाला छीना गया कह लिया जाए सोने के सुहागा होता हुआ रिजवान प्रधान क्लब कर्मैनी के अंक तालिका का। तो मैं देख रहा हूँ टीम कैप्टन भी काफी खुश होगी अपने साथी खिलाड़ियों के इस खेल को देखकर जो कि पिछला मुकाबला देखने के बाद अब ये जो सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला चल रहा है ये देखने के बाद टीम कैप्टन की उम्मीदें भी जगी हुई होंगी कि हमारे तमाम खिलाड़ी अपने खेल को सही और सही तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं जिसकी बदौलत अंक तालिका 11 है। वही सामने वाली टीम भी अंक तालिका 1 है तो जर्सी नंबर 3 खाली हाथ ही वापस आना पड़ा उन्हें। तो बहरहाल जर्सी नंबर 4 की चंचल निगाह है फुर्तीले बदन सदा वह तराना गुनगुनाता हुआ कवच कवच की हुकार लगाता हुआ चकमा देता हुआ और फिलहाल टेकल कर लिए गए लाजवाब निकल चंकुल फिर निकलने का मौका नहीं दिया निकलना तो जरूर आगे टीम पर पूरी तरह फल सकते थे उनके चंकुल खतरे की घंटी बजता हुआ तो जर्सी नंबर पर एक बार यदि मैं बात करूं तो लाजवाब और एक अंकों का और बड़े लंबे समय के बाद अंक तालिका में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मदरसा रहमानिया हेनरी टीम की अंक तालिका में यहाँ से एक अंक था वही उछाल मारकर अंक तालिका जा पहुंचा कि अंक तालिका जो कि अभी भी लंबा समय है अभी भी कुछ समय बचे हुए हैं कुछ भी हो सकता है ऐसे अनिश्चितताओं का काम है। तो तैयारी मार जर्सी नंबर 62 है छह डिफेंडरों के बीच है एक डिगर से कवच कवच की हुकार लगाता हुआ वो अपने हौसले को बुलंद करता हुआ और बहरहाल ऑफिशियल का इशारा आना बाकी है तो देखना है कितने पॉइंट पाने में सफल है और शायद दोनों ऑफिशियल महोदय आपस में वार्तालाप करते हुए तो भाई खिलाड़ी अब पायर पर दबाव ना डालें अब पायर के इशारे का सम्मान करें आप एक खिलाड़ी होने का परिचय दें भाईचारे का भावना का परिचय दें खेल को खेल सौंपा की तरह से खेला जाए तो दोनों टीमों को शायद एक ही अंक मिलता हो तो यही कह रहा हूँ ये दस्तूर भी भारतीय रहना भाईचारे का चूल्हा दिल में जलाते रहना खेल का है हित का मैदान नहीं मेरे यारों दिल मिले न मिले पर हाथ मिलाते रहना एक बार पढ़ा राजवा ने चकवा दिया दाएं दाएं के काटर कर अपने मेजबान अपने सामने टीम के बस एक मैच बचा है डिफेंडर राजवा बैकअप
निकलना चाहती थी, सभा से निकलना चाहती थी, वही श्री विद्वान प्रधान क्लब करने के खिलाड़ी उन्हें पहुंच गए, क्योंकि ये जद्दोहद का मुकाबला चल रहा था। प्रत्येक खिलाड़ी भली भांति जानता है कि इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद उन्हें सीधे फाइनल का सफर तय करता है, जो कि फाइनल में जगह पक्की करने के बाद शादिया की अपनी काली साथ भी इंतजार कर रही है इन दोनों टीमों में से किसी भी का। तो बहरहाल जो कि पहले ही जगह पक्की कर चुकी शादिया की अपनी काली साथ, जैसे नंबर चार एक बार अपना है रेड करके हुई चंचल निगाहें फूर्तीले बदन काफी फूर्तीले भी रह गए, चकमा दिया जैसे नंबर सेवन को और अपने मुकाम को हासिल करने में पूरी तरह सफल है। लाजवाब रेड का नमूना पेश किया, पर फिलहाल इन एक एक तत्वों से शायद अपने प्रयास को केवल मजबूती हुई नजर आ रही है। तो 14-5 है, क्षेत्र परिवर्तन होता हुआ यानी पहली पारी में हिंदी 9 अंक दूर रही अपने सामने वाली टीम से, वही सामने वाली टीम का अंक तालिका का जिक्र किया जाए। पहली पारी में जो कि 15 रही वही हिंदी हिंदी थी 6 रन, यानी अब ये सेकेंड पारी जो है ये समय का अंतिम पड़ाव, इस समय के अंतिम पड़ाव में इस समय के अंतिम अंतराल में कुछ कर दिखाना होगा। 9 मंजिला दूर है, 9 अंक दूर है हरे भी विद्वान प्रधान कलम कर पैने के अंक तालिका का। तो जो कि सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला और मैं जल्दी जल्दी एक बार और जो कि इस पूरे खेल को अपने कैमरे की नजर में कैद करते हुए नेशनल स्पोर्ट लाइन जो कि तमाम देश विदेश में दिखाए जा रहे हैं इस टूर्नामेंट को, जो कि जिसके प्रोपराइटर है आरिफ भाई का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और मैं तमाम आपसी महोदय जी का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बखूबी अपने कार्य को अंजाम दिए, और मैं तमाम कमेटी के सदस्यगणों और काली साथ की ग्रामवासियों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो बहरहाल 5 डिफेंडर तो अब तक ये दूसरी पारी का खेल शुरू है, जो कि अभी तक दोनों टीमों ने अंक तालिका की बात की जाए तो दोनों टीमों को अंक की जरूरत है, तो जो कि ज्यादा खास तौर पर जरूरत है बदस्ता कमाएगा हैट्रिक के लिए जो कि काफी पीछे है। स्कोर अब शुरुआती में से इंशाल्लाह स्कोर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 6-15 का स्कोर कार्ड लगा रहा हूं, लेकिन ये मजबूरी डिफेंडरों के बीच में है, शरीर को टकपका रहे हैं, तलाश में है करने के जाते थे तो आई में गई थी, क्या सिस्टम है वो और टेक्निकल पॉइंट शायद जैसा हुआ है, समय से ज्यादा समय गवा बैठे आपसे मिल पाए और ये तो रुक रुक रहे तो दो गई राजनाम रेडी उस चंद्र चंद्र पर थे और राजनाम रेडी इन्होंने देख लिया
तो ये रियर भी कह रहा था फाउस बनकर जिसकी हिफाजत खबर करे वो समा क्या मुझे इसे रोजन खुदा करे लाजवाब इतने का बना पे से आई से दे सहजा दे हेनरी के जाने से तो जैसे नंबर तीन देख पा रहा है धीरे धीरे अपने लय को खोई हुई है वो बरकरार रखी हुई बाकी हुई है को मदरसा रहमानिया हेनरी के तो मैं बता दूं कि जो फाइनल मुकाबला होने वाला है इन दोनों टीमों में से जो भी विजयी होगी वो फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी जो कि पहले ही फाइनल में अपने नाम को बरकरार रख चुकी है कर चुकी है शाबिया के लिए का निशान इन दोनों टीमों में से जो टीम विजयी होगा वो खिताबी जंग यानी फाइनल मैच खेलेगा शाबिया के लिए का निशान क्योंकि ये सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला चल रहा है पहले मुकाबले में ही रिजवान फरहान कलम कर महीने को प्लास्ट करने के बाद शाफिया के लिए कारी साहब ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है पहले तो ये सेमीफाइनल का दोस्तों मुकाबला है जो भरी भी आ चुकी है वो पुराव भी आ चुका है जिसके लिए तो इस पूरा बहुत है कि सामने जो ये ब्रैक लोअर और जो ये बैठे हैं साहब इसको का हो रहे उन्हें नीचे उतार दीजिए नीचे उतार दीजिए क्योंकि ये टूर्नामेंट अपने अपने पड़ाव की ओर है ताकि कोई और जो पड़ता हो आठ पत्र है और एक सबको का और फायदा हो तो दो डिफेंडर एक रिटर्न पांच डिफेंडर क्वारंटाइन हो चुके हैं और एक डिफेंडर के ऊपर पर पूरी कमान है दो और ढाई भी है कर लो या फिर करो और यहां हो तो आ गई अपने नए मदरसा रहमानिया हेनरी जिस लय के लिए जाने जाती थी इस हिसाब से अपने खेल को प्रस्तुत किया अब तक फैसले फलक के बाद की है एक भी दो यानी सफल रहे दो अंकों का जीत करते हैं तो इन्हीं दो अंकों के साथ ये पहली बार है सेकेंड पाली के लिए दो अंक से अंक तालिका का आगे बढ़ता हुआ विद्वान प्रधान मत कर रहे हैं तो लोहा लोहा आपस में शायद एक पॉइंट का जीत करके ऐसा कर दिया लास्ट फाइव मिनट शेष समय मात्र पांच मिनट ये कांटे का टक्कर हाई वोल्टेज मुकाबला चल रहा है सत्तर की बाजी लगा दिए दोनों टीम के तमाम खिलाड़ी अपने संघर्ष की बाजी को लगाते हुए और अपने खेल को शो करते हुए दोनों टीम के तमाम खिलाड़ी ग्यारह सत्रह का फासला छह मंजिला दूर है हबीबी तो अब ये पता चला कि लोहा लोहा से टकरा रहा है मैदान में तो बता दूं कि लोहा लोहा या पत्थर पत्थर से टकराता है तो जो गाड़ी उसमें फिर करती है अब देखना है कि उस गाड़ी से कौन सी टीम झुलसती हुई नजर आती है और कौन सी टीम पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है ये तो आने वाला वक्त ही बयान करेगा तो 11-17 का फासला है दिलचस्प मुकाबला होटल मुकाबला जद्दोजहद का मुकाबला कसरकस का मुकाबला चल रहा है क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है दो डिफेंडर एक डिफेंडर और बाहर हाल ये पड़ी हुई बीमारी हाथ से दो खतरे की घंटी बजता हुआ ये दौड़ है तैयार है के लिए और तो कार्रवाई का अंक तालिका यहीं से कुछ मार्गे जा पहुंचा शुक्रिया साधु संत दो और ढाई है ग्यारह बीस है तैयार है बाहर ओ ये है इसका स्टेप करण भाई सेम नाम है हां ये शायद ये कान के डिफेंडर के ऊपर हमला बोलते हैं अंतिम 2 मिनट
करमैनी की 20 है भाई, और 11 है। अब धीरे धीरे मानसिक चिंताएं बढ़ती हैं। अनिल बानी अगर उसके लिए बदल जा रहा है ना हेनरी ठीक के होकर इस संकट के काले पत्थर से जो बदल गरज रहा है उस गरजना को हटाना होगा। 11-21 का फासला धीरे धीरे पिछला बढ़ता हुआ और उनकी चिंताएं बढ़ती हैं। उतना ही लाइव मारिए, कहीं भी मारेगा, गूगल में मारिए, क्रोम में मारिए, पूरी तरह से पकड़ पाई हुई है। लेके जाएगा आपको विद्वान प्रधान ब्लॉक कर महीने की थी, क्योंकि उन्हें सबक मिल चुका है पहले ही सेमीफाइनल। उस गलती को दोहराना नहीं चाहेगी दोबारा, क्योंकि उन्हें एक सुनहरा मौका मिला है फाइनल में प्रवेश करने का। तो गलती किया, गलती की और उसको भरपूर फायदा मिलता हुआ। लास्ट दो मिनट शेष समय, 13-21 ये देखना है ये बचे कुछ समय में कहां तक अंक तालिका को पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। तो खाली हाथ ही मुश्किल भरा लग रहे हैं मदरसा रहमानिया हेनरी के पास। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो टेकल कर लिए गए एक बात बड़ा है, एक अंक और एक मिनट है, 7 अंक दूर है। तो शायद भाग्य ही साथ दे तो इस मैच में उलटफेर देखने को मिल सकता है। एयर किक का इस्तेमाल और दो अधिक करने में सारे सफल है और इन दो अंकों के सहारे अंक तालिका 17-22 5 अभी भी अंकों को अंतर समय भी अपने करिए है। तो शाफिया काली साहब तैयार रहे और मैं देख रहा हूं कि इन दोनों टीमों में से मैं देख रहा हूं कि जवान प्रधान क्लब करवाई धीरे धीरे फाइनल में अपनी जगह पक्की करते हुए और कर चुकी विद्वान प्रधान क्लब करवाई की टीम। अब इन्हें एक सुनहरा अवसर मिला है जो कि उनका मुकाबला एक बार पुनः देखने को मिल सकता है शाफिया बेगे कारिसा के दरमियान जो कि फाइनल मुकाबला होने वाला है। तो फाइनल में प्रवेश कर चुकी ये दोनों टीमें जो कि शाफिया बेगे कारिसा बड़ा विद्वान प्रधान कर रही है। इन दोनों के बीच एक बेहतरीन मुकाबला होने की उम्मीद और